साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने दो दो बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और अब तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है। जब तक मोदी है, एससी एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने दो दो बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इतने वो बाबा साहब से डरते थे। इसलिए दो दो बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे इसलिए भांति भांति के षड्यंत्र किए। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल की उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। वो इतने डरते थे बाबा साहब से कि अगर संसद भवन में उनकी तस्वीर लग जाए तो भी ये कांपते थे। दलित हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं कांग्रेस के राज में ही हुई है। और अब तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इनके एक नेता जिन्होंने मिर्चपुर कांड के समय भी दलितों के साथ बदनीयत दिखाई थी, उनके ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता डंके की चोट पर ताली लेकर के सीना तान करके कह रहे हैं कि एक दिन तो आरक्षण खत्म होगा ही। यानी कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.